बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्स फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। माय नेम इज असीब यामिन खान एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में हम देखते चलें कि हमने पहले क्या स्लाइड्स में पढ़ा हुआ था। हमने देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हमने देखा था अलजेब्रिक टर्म क्या होती है, कॉन्स्टेंट टर्म इसमें कौन सी होती है, इंडेक्स और एक्सपोनेंट फॉर्म कौन सी होती है, और फिर साथ हमने देखा कि इसमें कोएफिशिएंट कौन से होते हैं, और साथ साथ हमने ये भी देखते गए कि लाइक और अनलाइक टर्म्स को ऐड अप वगैरह किस तरीके से किया जाता है। तो आइए एक्सरसाइज 5.3 का बकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेशन इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कह रहा है आपको जो मैं ये वर्ड्स दे रहा हूँ इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में शो करके दिखाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 में क्या है, द सम ऑफ पी एंड क्यू, सम ऑफ पी एंड क्यू, सम किसको कहते हैं, प्लस को, पी और क्यू का सम करना है तो हम पी और क्यू लिख देंगे, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा कि सम ऑफ पी एंड क्यू। द सम ऑफ 3x एंड 5y, सम ऑफ 3x एंड 5y, तो सम प्लस को कहते हैं, 3x और 5y करना तो ये 3x और 5y, तो सम ऑफ 3x प्लस 5y। द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n एडेड टू देयर सम, के m और n को ऐड करें और इसके सम प्रोडक्ट करें, इसका सम ऐड करें। सबसे पहले देखें द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n आपको क्या होगा, एम एन होगा, आपको कह रहा है एंड एडेड टू देयर सम, और इनका सम क्या है, सम ऑफ m सम ऑफ m एंड n वो क्या होगा, m प्लस n, ठीक है। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n एडेड टू देयर सम, देखें तो ये फाइनलाइज फॉर्म इसकी होगी कि प्रोडक्ट ऑफ m एंड n एडेड टू देयर सम, और इनका सम क्या है, m प्लस n, तो ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते चलते हैं। 4 में वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 3q व्हेन 2q इज लेस देन 3q, इट मींस कि बड़ी रकम से हम छोटी रकम को माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है डिफरेंस हम कहते हैं माइनस को, 3q ग्रेटर है और 2q लेसर है, तो हम क्या करेंगे, 3q माइनस 2p, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 3 टाइम्स ए एडेड टू 4 टाइम्स बी, 3 टाइम्स ए इज इक्वल टू 3 है, 4 टाइम्स बी विच इज इक्वल टू 4b, एंड सम ऑफ, सम क्या होगा, 3a प्लस 4b, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, द सम ऑफ m एंड n, द कोएफिशिएंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2, वो कह रहे थे सम ऑफ m एंड कोएफिशिएंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2, अब वो कह रहा है कि सम एक m का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2, तो वो क्या होगा, n बाय 2, आप वो कह रहे हैं सम विद m, तो m के साथ जब सम अप करेंगे तो होगा m प्लस n डिवाइडेड बाय 2। तो इन्हीं पैटर्न्स को आप फॉलो करते हुए इसके बाकी पार्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है कि मुझे बताएं आप कि जो 6x है इसमें मुझे बताएं कोफिशेंट क्या है, बेस क्या है एंड एक्सपोनेंट क्या है। तो देखें बहुत ईजी है, हमें लिख लें बी फॉर बेस, सी फॉर कोफिशेंट एंड एक्स ए फॉर एक्सपोनेंशियल। बेस जो आपकी होती है वो ये होती है जो एक्स वाई वगैरह में आपको जो दिया गया, तो बेस हमारी इधर क्या आ गई एक्स, इसकी जो पावर होगी लेट्स सपोज कुछ नहीं तो क्या होगी 1, वो इसका क्या होगा एक्सपोनेंट, और कोफिशेंट वो होगा जो इसके साथ लगा होगा, तो वो क्या होगा 6। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं, इसका 2 का 2 पार्ट,
15 क्यू स्क्वायर। तो हम इसमें बेस बतानी है, कोफिशिएंट बताना है, एक्सपोनेंशियल बताना है। जी बेस इसमें क्या आ जाएगी क्यू, कोफिशिएंट इसमें क्या आ जाएगा 15 और एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर हम 3 देखते हैं, वो है 72 m^6। तो बेस हमारी क्या आ गई, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंशियल, बेस हमारी आ गई m, कोफिशिएंट हमारा आ गया 72 और एक्सपोनेंशियल हमारा आ गया 6। फोर्थ में बेस हमारी बतानी है, कोफिशिएंट बताना और एक्सपोनेंशियल बताना है। तो बेस हमारी क्या आ गई m, कोफिशिएंट क्या आ गया 2/3 और एक्सपोनेंट क्या आ गया -2। अब हम इसको देखते हैं, 5 वाले में देखते हैं, 1/3 y^-8। 1/3 में बेस, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल, बेस हमारी इसमें क्या है y, एक्सपोनेंशियल हमारे पास है -8, कोफिशिएंट हमारे पास है 1/3। और लास्ट वाले में हम देखते हैं 16 n^10 में, तो हमारे पास बेस क्या है, कोफिशिएंट क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है, बेस हमारे पास इसमें है n, एक्सपोनेंशियल हमारे पास 10 एंड कोफिशिएंट हमारे पास है 16। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपके इस सवाल में आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।